हाय वेलकम टू आवर चैनल। तो एक कंपनी का पब्लिक जाना मतलब इनकी आईपीओ रिलीज होना इज अ वेरी बिग माइलस्टोन, बट एज एन इन्वेस्टर डू यू नो द फैक्टर्स दैट यू नीड टू कंसीडर बिफोर मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट 10 की फैक्टर्स दैट यू नीड टू नो बिफोर इन्वेस्टिंग इन एन आईपीओ। तो नंबर वन, कंपनीज बैकग्राउंड। बिफोर इन्वेस्टिंग इन एन आईपीओ हमेशा जानना जरूरी होती है कि कंपनी की हिस्ट्री, मेजर माइलस्टोन, अचीवमेंट्स, कंपनीज कोर प्रोडक्ट, सर्विस, उनकी टारगेट मार्केट और उनकी यूएसपी क्या है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, analyze the company's financial statements, income statements, cash flow statement, balance sheet. ये सारे documents आपको company की DRHP report में मिलेंगे. This DRHP report the company needs to file with SEBI before getting an approval to issue an IPO. आप company की website या सारे news channels भी track कर सकते हो. Industry analysis. ये कंपनी जिस इंडस्ट्री में है उनके मार्केट डायनामिक्स, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स एंड पोटेंशियल चैलेंजेस क्या, इनके कंपेटिटर्स कौन है, उनका मार्केट प्राइस क्या है, व्हाट आर देयर प्रोडक्ट्स एंड यूएसपीज, ये भी समझना जरूरी है। रिस्क्स एंड चैलेंजेस, कहीं पे भी पैसे इन्वेस्ट करने के पहले क्या रिस्क्स है ये जानना इज ऑफकोर्स इम्पॉर्टेंट। नाउ दिस में इंक्लूड रेगुलेटरी रिस्क, लीगल डिस्प्यूट्स, ऑपरेशनल चैलेंजेस एंड मच मोर विच कुड इम्पैक्ट अ कंपनीज फ्यूचर परफॉर्मेंस। The valuation of an IPO depends on the price at which the shares are issued to the investor for the first time. Now, if an IPO seems overvalued, avoid investing in it. But if it seems fairly valued, then bid to get higher returns. Now, you can determine the valuation of an IPO by looking at the PE ratio, PS ratio or the EV to EBITDA ratio. Use of proceeds. अब ये समझना जरूरी है that why is the company raising funds. Now, some of the reasons could be to fund growth initiatives, invest in R&D, expand operations, और इवन पेइंग ऑफ डेट। यू शुड नो विच बैंक्स विल बी मैनेजिंग द आईपीओ, उनकी मार्केट रेपुटेशन कैसी है, हाउ मेनी आईपीओस हैव बीन सक्सेसफुली रिलीज्ड, इफ देयर आर एनी लॉकअप अग्रीमेंट्स इन प्लेस व्हिच कुड रिस्ट्रिक्ट द इनसाइडर्स और अर्ली इन्वेस्टर्स टू सेल देयर शेयर्स फॉर अ सर्टेन ड्यूरेशन आफ्टर एन आईपीओ। नाउ अंडरस्टैंड इफ दिस लॉकअप ड्यूरेशन कुड इम्पैक्ट द शेयर और योर रिस्क एपेटाइट। लुक एट द मार्केट कंडीशंस, इवैल्यूएट फैक्टर्स सच एज इंटरेस्ट रेट्स, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एंड मार्केट वोलेटिलिटी जो इम्पैक्ट कर सकती है ऑन इन्वेस्टर डिमांड फॉर फ्यूचर ऑफरिंग्स। Ensure the company complies with all legal and regulatory requirements during the process of an IPO, filing necessary documents, sharing right disclosures, and following corporate governance. So these were the 10 factors that we think are essential. Remember, thorough research and analysis is necessary before making a sound investment decision. Hope this video helped, and for more educational content to navigate the world of finance, keep following Yes Securities, Choice of the Wise. Investment in securities markets are subject to market risks. Read all related documents carefully before investing.